इनकी अभी मीटिंग चल रही है बहुत बड़ी वाली, कोई हटने को तैयार ही नहीं है। सावंतवाड़ी महाराष्ट्र का एरिया और फॉग देखो आप कितना जबरदस्त। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि शायद हम फ्लाइट में हैं, लेकिन हम फ्लाइट में नहीं हैं, बट हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पूरे बादल जो है वो सब नीचे आ चुके हैं और हम सब बादलों के ऊपर एकदम सब पहाड़ों के भी ऊपर आ गए हैं। और ये जो जगह है उसका नाम है आंबोली घाट और ये महाराष्ट्र की जो अपने मतलब हिल स्टेशन बोलते हैं वो वन ऑफ द हिल स्टेशन है। और आप देख सकते हो नज़ारा क्या है यार, मतलब ऐसे मतलब पूरा स्वर्ग जैसा नज़ारा। ये पूरा बादलों के ऊपर हम आ गए हैं। अभी हम पहुंच गए हैं आंबोली दबदबे मतलब आंबोली वाटरफॉल पे और अभी हम उसका नज़ारा लेने के लिए जाएंगे। तो लेट्स जस्ट गो। तपन कम। तो अभी यहाँ पे हम जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो अभी ये आंबोली वाटरफॉल पे हम आ गए हैं और ये वाटरफॉल की खासियत ये है कि ठंडा पानी है। और नहीं, खासियत ये नहीं है ठंडा पानी है, खासियत ये है कि इसकी सीढ़ियाँ है, तो आप सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जा सकते हो। पर बीच में ऐसे ऑब्स्टिकल आएंगे ऐसे जो
अभी मेरे को दिखा एक ऑब्स्टिकल, इसको हटाएंगे। आ जा। तो अभी हम फाइनली हम ऊपर पहुंचे हैं। बहुत ही झनझनाती वाला है। ओ बापा, बहुत ठंडा है, बहुत ही ठंडा है। अम्बोली घाट का, और अम्बोली घाट के ये जो वाटरफॉल है वहाँ पे हम आ चुके हैं, और ये मुंबई और गोवा के हाईवे पे ही आता है, पर ये जो नज़ारा है वो कुछ ज़बरदस्त वाला ही है। और मतलब आप यहाँ की अच्छी बात देखो तो पूरा स्टेयरकेस है, और स्टेयरकेस से आके ऊपर आके आप इसी तरीके से अच्छी तरीके से बैठ सकते हो। गीला होना है तो हो जाओ, नहीं होना है तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको यहाँ से मिलता है। पूरा देखो, यहाँ पे पीछे भी देखोगे आप तो पूरा आपको बादल का और वो सब नज़ारा मिलेगा। तो यही है एकदम अमेजिंग चीज़, इसके लिए हम थोड़ा ऑफ रोड आके यहाँ पे आए, लेकिन बस है, मतलब मज़ा आता था। हमारे पास ये मैगी है और गर्मा गर्म कॉफ़ी, और इन लोगों की चाय आ रही है, जैसे आती है फिनिश करेंगे एंड विल गो बैक टू होम। अभी टाइम लेस पर